Good morning, class. This is our new pharmacology class in which today we will study about the next topic of our last unit, that is antivenom. The name of the topic is antivenom. Antivenom matlab jo जहर के अगेंस्ट काम करने वाली ड्रग होती है उसको अपन एंटी वैनम कहते हैं. जहर कौन सा? सांप का जहर. वैनम जो है स्नेक पॉइजन को हम कहते हैं. तो देखिए, स्नेक बाइट से वो पॉइजन किसी पर्सन की बॉडी के अंदर जाता है. स्नेक बाइट के यहाँ पर केसेस, श्रीलंका के केसेस बताए गए हैं कि भाई 65,000 तक स्नेक बाइट जो है उनके वहाँ पर सालाना देखे जाते हैं. 800 ज़्यादा मौतें हो रही है और बहुत ज़्यादा फेटल ये कंडीशन होती है और हॉस्पिटल एडमिशन भी इनके यहाँ पर ड्रामेटिक इंक्रीज होते रहते हैं. तो ये श्रीलंका क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है स्नेक बाइट वहीं पर देखा जाता है. उसके अलावा ऑल ओवर इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ये केसेस तो देखे ही जाते हैं. यहाँ पर भी कैसे, वहाँ पर कितना ज़्यादा वो उसकी प्रेवलेंस है वो बताई गई है. स्नेक बाइट को उसके ऊपर बताया गया है स्नेक बाइट के बारे में कि कैसे ये कट कर रहा है, स्नेक को खा रहा है, वो चीज़ बताई गई है. अब देखिए, जो स्नेक बाइट है ऐसा नहीं होता कि सारे स्नेक्स के बाइट से जो है वो वैनम ही इंजेक्ट हो रहा हो बॉडी में, ज़रूरी नहीं होता. कुछ स्नेक्स होते हैं जो हाईली विनोमस होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला जहर होता है, जैसे कोबरा, कॉमन क्रेट, श्रीलंका क्रेट, रिजल्स वाइपर और सौ स्केल्ड वाइपर. जबकि मॉडरेटली विनमस स्नेक जो हैं उनमें हम्प नोज वाइपर और ग्रीन पिट वाइपर आते हैं. मतलब ये सारे वो सांप हैं जिनके काटने से जहर जो है बॉडी में फैलता है. यहाँ पर एक केस बताया गया है कि भाई 10 साल का एक बच्चा था जिसको एंकल में स्नेक बाइट की कंप्लेन हुई और वहाँ पर स्वेलिंग दिखाई दी थी. 12:15 बजे के करीब वो बच्चा आया था. वो खेल रहा था पहले अपने घर के बाहर, तो उसको अचानक ही एंकल में एक शार्प पेन फील हुआ. तो उसने चेक किया तो वहाँ पर ब्लीडिंग हो रही थी उस पेन की साइड से और वहाँ पर बाइट का मार्क उसको दिखाई दिया था, पर उसने वहाँ पर कोई भी स्नेक उसको आसपास दिखाई नहीं दिया था. तो वो घर पे तुरंत गया, उसका भाई उसका जो है वो उसको गोद में उठा करके घर पर लेकर के गया, पर उसको वहाँ पर कोई चीज़ ऐसी नहीं मिली जिससे कि वो उस घाव को साफ़ कर सके और टॉनिकेट जो है उसके ऊपर अप्लाई कर सके. तो जब वो लेकर के गया तो बच्चे की कंडीशन क्या थी कि उसको ड्रॉजीनेस फील हो रही थी, वॉमिटिंग आ रही थी, जो फूड पार्टिकल्स वगैरह थे, फ्रेश ब्लड भी उस वॉमिट के साथ में निकल रहा था और एब्डोमिनल पेन हो रहा था, बर्निंग जैसा, ऐसे पेट में जलन हो रही है. तो वो उसको आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, जो उनके घर के पास थे, वहाँ पर लेकर के गया. तो डेढ़ घंटे के इंसिडेंट के डेढ़ घंटे बाद ही फिर उसको थ्री व्हीलर हॉस्पिटल में लेकर के जाया गया, उसको एडमिशन करवाया. तो बाइट साइड पे उन्होंने देखा तो स्वेलिंग थी, वहाँ का कलर चेंज हो चुका था और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पर कोई ब्लीडिंग नहीं थी, कोई ब्रूजिंग नहीं थी, ना ही वहाँ पर कोई फफोले जैसी चीज़ बनी थी, कोई ब्लिस्टर्स वगैरह नहीं थे. तो ये कुछ देखो, ये बाइट मार्क्स वगैरह होते कैसे कैसे बनते हैं. ऊपर सबसे पहले बाइट मार्क दिखाया गया है, पास में उसी साइड से अगर ब्लीडिंग हो रही हो, वहाँ पर अगर नेक्रोसिस हो गया और अगर वहाँ पे ब्लिस्टर फफोले जैसे पड़ जाते हैं, तो ये कंडीशंस देखने में मिलती है स्नेक बाइट के दौरान. और इसके अलावा वो जो वैनम होता है वो न्यूरोलॉजिकल अपना इफेक्ट दिखाता है, जिससे कि टॉसिस, एक्सटर्नल ऑप्थेल्मोप्लेजिया और ड्रॉजीनेस देखने को मिल रही होती है, नींद आने लग जाती है, बेहोशी जैसी हालत हो जाती है, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है. न्यूरोलॉजिकली जब ये वैनम एक्ट करता है, क्योंकि ये सीधा CNS के ऊपर एक्ट करता है, तो न्यूरोलॉजिकली इसके एक्शन के रूप में आपको ड्रॉजीनेस देखने को मिलती है, पैरास्थीसिया. इसके अलावा टेस्ट और स्मेल के अंदर एबनॉर्मेलिटी आनी शुरू हो जाती है, आंखें भारी हो जाती है, टॉसिस हो जाता है, आंखों के अंदर सूजन सी आ जाएगी, बाहरी ऑप्थेल्मोप्लेजिया हो जाएगा, फेशियल मसल्स में पैरालिसिस हो जाता है और निगलने में भी पर्सन को दिक्कत आने लगती है. इसके अलावा फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी और जनरल बॉडी के अंदर भी पैरालिसिस जैसी कंडीशन आ जाती है. वार्ड में आप लेकर के जाओ तो कैथेटर इंसर्ट किया जाता है और हिमेट्यूरिया हो रहा है क्या, इस चीज़ को नोटिस करना ज़रूरी है. इसके अलावा गम ब्लीडिंग देखने को मिल रही होती है कुछ लोगों में, सब कंजंक्टाइवल हैमरेज देखने को मिल रहा होता है, जैसा कि आपको फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है.
अब अगर आपके पास कोई स्नेक बाइट का केस आता है तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? सबसे पहले आपको उसको फर्स्ट एड देनी है, हॉस्पिटल में नहीं, आपके पास जनरली जब कोई केस आ रहा है तो आप उसको फर्स्ट एड देंगे, फिर तुरंत हॉस्पिटल उसको भिजवाएंगे, रैपिडली उसको क्लिनिकली असेस करेंगे और उसका रेसिसाइटेशन करेंगे जैसी भी कंडीशन दिखाई दे रही है उसके अंदर, जिसमें आपको डिटेल्ड क्लिनिकल असेसमेंट लेना है, उसका स्पीसीज डायग्नोस करनी है, इन्वेस्टिगेशन करना है और फिर उसको एंटीवेनम ट्रीटमेंट देना है। एंटीवेनम ट्रीटमेंट के बाद आप उसको सपोर्टिव और एंसिलरी ट्रीटमेंट भी देंगे, बिटन पार्ट का ट्रीटमेंट जिस जगह पर काटा है उस जगह पर भी ट्रीटमेंट देना है, रिहैबिलिटेशन करना है उसका, और क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन अगर कोई देखने को मिल रही है तो उसको भी ट्रीट करना है आपको। अब सबसे पहले जो मैंने कहा आपको फर्स्ट एड देनी है, तो फर्स्ट एड में आपको क्या करना है क्या नहीं करना, तो देखिए रीअश्योर करिए कोई भी उसने कुछ भी चीज़ पहनी हुई है, रिंग्स है, ब्रेसलेट्स है, बिटन पार्ट पे उनको हटा दीजिए, बिटन एरिया को वॉश करना है सोप और वाटर से, फिर स्ट्राइकन लिम्ब बिलो द हार्ट, हार्ट के नीचे उसको लटका दीजिए लिम्ब को, बिटन लिम्ब को इमोबलाइज करना है स्प्लिंट या स्लिंग्स से उसको बांध देना है, जितनी जल्दी हो सके मेडिकल हेल्प उसको प्रोवाइड करवानी है। तो ये बताया गया ये फर्स्ट एड, देखिए स्नेक बाइट के फर्स्ट एड क्या है, प्रेशर और इमोबिलाइजेशन मेथड हमारे को यूज़ करना है, कि आपको ब्रॉड प्रेशर के साथ में बैंडेज बांधनी है फ्रॉम बिलो अपवर्ड्स, नीचे से स्टार्ट करते हुए जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, बिलो से अपवर्ड तक आपको वो बांधनी है बाइट साइड के ऊपर जितना जल्दी हो सके, और कोई भी ट्राउज़र वहाँ से आप ट्राउज़र वगैरह को आपको रिमूव नहीं करना है, एज द मूवमेंट ऑफ डूइंग सो विल असिस्ट वैनम टू एंटर द ब्लड स्ट्रीम, क्योंकि अगर आप ऐसे ट्राउज़र रिमूव करने जैसी झंझटें करेंगे तब तक हो सकता है वैनम जो है उसके ब्लड स्ट्रीम में चला जाए, इसलिए आपको हिलाना डुलाना नहीं है, जो वो बिटन लेग वगैरह जो भी है उसको स्टिल स्टेट के अंदर रखना है, हिलना डुलना नहीं चाहिए वो जगह, ताकि ब्लड स्ट्रीम में जहर ना पहुंच सके। फिर बैंडेज जो है उसको वो टाइटली आपको बांधनी है, जैसा हमने कहा स्प्रेंड एंकल के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर दीजिए टाइटली उसको, पेशेंट शुड अवॉइड एनी अननेसेसरी मूवमेंट, और उस पेशेंट को भी कहिए बिना मतलब उसको हिलाने डुलाने की ज़रूरत नहीं है, फिर उसको बैंडेज को एक्सटेंड करते हुए ऊपर जितना हो सके लेकर के जाइए, फिर स्प्लिंट लेग के ऊपर आप अप्लाई करिए ताकि जॉइंट जो है वो इमोबिलाइज रह सके, तो बाइट की साइड में आपको लेटरल साइड के ऊपर स्प्लिंट जो है वो अप्लाई करनी है, फोटो में दिखाई दे रही है आपको, फिर उसको अच्छे से फर्मली बांध देनी है लेग के साथ में जितना अच्छे से हो सके, और उसको कहना है कि आपको चलना फिरना नहीं है या हिलना डुलना नहीं है, यहाँ पर फोरआर्म का एक्सिला का बाइंडिंग दिखाई गई है, स्प्लिंट को एल्बो के साथ में स्लिंग का यूज़ करते हुए आप इस तरह से बांधेंगे, तो ये तो आपको करना है। और अब क्या नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है अगर स्नेक बाइट हो जाए तो, कोई कट स्क्रैच या इंसीजन उस जगह पे नहीं लगाना है, वून को सक नहीं करना है, जैसा मूवीज़ के अंदर आप लोग देख रहे होते हैं कि सांप ने काटा और फिर वो मुँह से खींच खींच करके थूक रहे, नहीं जी वो आपके अंदर चला गया तो वैसे नुकसान कर देगा, इसलिए ऐसी गलती नहीं करनी है। आइस पैक भी अप्लाई नहीं करना है उस बिटन एरिया के ऊपर, क्या आप सोचें कि ठंडी बर्फ़ से हम सेक कर दें, ऐसा नहीं करना है, टाइट बैंड नहीं या टॉनिकट अप्लाई नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेना है, कोई हर्बल मेडिसिन या एस्पिरिन नहीं लेनी है भाई, हॉस्पिटल जितनी जल्दी हो सके सेफली और कंफर्टेबली उसको लेकर के जाइए, जिसमें उस दौरान मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ताकि सिस्टमिक एब्जॉर्प्शंस को आप बचा सके कि भाई ब्लड स्ट्रीम में वो एंटर ना कर जाए जहर, इसलिए मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अब ईटीयू के अंदर रैपिड क्लिनिकल असेसमेंट करना है और रेसिसाइटेशन आपको करना है एबीसी को ध्यान में रखते हुए, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन एबीसी पता है ना आपको, तो इन चीज़ों को रखते हुए असेस करो और रेसिसाइटेशन करो, बाइट साइड को आपको सोप वाटर से क्लीन करना है, आईवी कैन्यूला इंसर्ट करना है, ब्लड को 20 WBCT तक लेना है, मतलब 20 मिनट होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट आपको उसका करना है, पैरास्टामॉल ओरली 500 mg दे सकते हो और रेंटिडिन आईवी 25 mg आपको देनी है और पेशेंट को वार्ड में भेजना है। डिटेल क्लिनिकल असेसमेंट में उसकी हिस्ट्री लीजिए, 3 प्रीलिमिनरी क्वेश्चंस आपको पूछने ध्यान देने हैं कि भाई बॉडी किस पार्ट पे काटा है, कितने लंबा कितनी देर हो चुकी है उसको काटे हुए,
और ब्रॉड द स्नेक कैन डिस्क्राइब इट, आप बता सकते हो कि वो कौन सा स्नेक था, क्या डिस्क्राइब कर सकते हो, ये चीज़ आपको उससे पूछनी है। अब आपको स्नेक को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, जैसे लैंड स्नेक है तो एलेपिड्स है या वाइपर्स हैं। एलेपिड्स में कोबरा, कॉमन क्रेड्स, साइलॉन क्रेड्स आते हैं। वाइपर्स के अंदर रुजेल्स वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर, ग्रीन पिट वाइपर, हम्ड नोज वाइपर आते हैं। कोबरा ये देखिए, स्पेक्टिकल इसको कहा जाता है। स्पेक्टिकल जैसी मार्किंग एक्चुअली इसके हुड के डॉर्सल पार्ट पे होती है, जैसा आपको दिखाई दे रही है ना, ऐसे जैसे कोई चश्मा लगाया हुआ हो। When excited, this fold expands into a hood. जब ये excite होता है तो इस तरह से ये hood को fold करता है। Common Indian crate देखिए, जो यहाँ पर काफ़ी commonly पाया जाता है, ये oily, shiny, bluish black color का दिखाई देता है। Paired white bands इस पर पाए जाते हैं, इसके dorsal surface पे देखो, pair में bands जो है वो pair में दो 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 में दिखाई दे रहे हैं आपको। श्रीलंकन क्रेट ब्लैकिश ब्राउन स्नेक होता है, जिसमें व्हाइट बैंड्स होते हैं बॉडी के ऊपर। रिजल्ट वाइपर हाईली पॉइजनस, 40% तक डेथ कॉज इसी स्नेक से हो रही होती है, श्रीलंका के अंदर देखी गई थी। और पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा यही फैला हुआ लार्जेस्ट मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइपर होता है ये। वी शेप्ड वाइट मार्किंग इसके हेड के ऊपर पाई जाती है, देखिए कितनी खूबसूरत सी फोटो है, क्या आपको पता नहीं चल इसका मुँह कहाँ है, ये रहा इसका मुँह, तो वी शेप दिखाई दे रहा है ना। इसके तीन रोज होती है ब्लैक एलिप्टिकल मार्किंग की, रनिंग अलोंग द लेंथ, लेंथ के रन करती हुई तीन रोज हैं ब्लैक कलर की, ये देखिए। सॉ स्केल्ड वाइपर सैंडी ब्राउन कलर का होता है, बर्ड्स फुट मार्क इसके हेड पर पाए जा रहे होते हैं। वैन डिस्टर्ब इट रब्स द कॉइंस अगेंस्ट ईच अदर प्रोड्यूसिंग अ हिसिंग नॉइज, एक दूसरे पर ये देखो किस तरह से लपेटा खा करके बैठा है। एक तो गोल 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 कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये कॉइल्ड नहीं लेता, ये इस तरह की स्ट्रक्चर ले लेता है। ये करैक्टरिस्टिक इसी सॉ स्केल्ड वाइपर की होती है, इसलिए इसको सॉ स्केल्ड कहते हैं। ये इस तरह से बैठता है, ये कॉइलिंग इसकी बताई गई है। हम्ड नोज वाइपर देखिए भाई, ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन ब्लैक इसके ऊपर मार्किंग होती है। अनटर्न अपटर्न हम्प इसके अंदर देखो पाया जाता है, हम्प जैसा दिख रहा है ना, अपटर्न हम्प। ग्रीन पिट वाइपर देखिए, ब्राइट ग्रीन कलर का जिसमें ब्लैक मार्किंग है, बड़ा खूबसूरत सा हरा रंग चमकता हुआ। स्नेक जब आइडेंटिफाई हो जाता है कि भाई वो नॉन विनोमस है, तो पेशेंट को आप आराम से डिस्चार्ज कर सकते हैं बूस्टर डोज टिटनस टॉक्सॉइड की देने के बाद। इसलिए हमारे को ये चेक करना है कि भाई वो स्नेक कौन सा था, भाई नॉन विनमस है, क्योंकि पेशेंट तो आपके पास आएगा, अगर कोई सांप काटेगा उसे थोड़ी ना पता है कि वो जहर वाला सांप था या बिना जहर का सांप था, तो पहले आप पता करिए, और अगर वो उसमें जहर नहीं था तो टिटनस टॉक्सॉइड की बूस्टर डोज दे करके आप उसको भेज सकते हैं। ये सारे इनके नाम, इन्वेस्टिगेशन में हमने बोला ही था भाई 20 WBCT कर सकते हो, FBC, SCBU, SCSGOT, SGPT, ब्लड ग्रुपिंग, IPOP चार्ट, ये सारे इन्वेस्टिगेशंस हैं। ये होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट कैसे किया जाता है, इसमें आपको 2-3 ml होल ब्लड टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है रूम टेम्परेचर पर, और लीव अनडिस्टर्ब्ड इन द ट्यूब, ट्यूब में छोड़ दीजिए टिल्ट करके, 20 मिनट के बाद देखिए क्लॉट बन रहा है या नहीं बन रहा। इनकोएग्यूलेबल ब्लड इज डायग्नोस्टिक ऑफ अ वाइपर बाइट एंड रूल्स आउट एज एलेपिड बाइट, तो भाई खून जमा या नहीं जमा, नॉर्मल ब्लड आप जानते हो अगर आप यूं ही छोड़ देंगे तो ब्लड क्लॉट होगा, पर अगर ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है इसका मतलब उसके अंदर सांप का जहर है। अब ये स्नेक वेनम एंटी सीरम देखिए आप, केवल एक ओनली स्पेसिफिक एंटीडॉट टू स्नेक वेनम, स्नेक वेनम की ये स्पेसिफिक एंटीडॉट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये मैनेजमेंट के दौरान। IV इम्यूनोग्लोबुलिन IgG आप इसमें देते हैं, पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक वेनम सीरम नाम है जो दिया जाता है। ये कोबरा क्रेट रिजल वाइपर सॉ स्केल्ड वाइपर सब में दिया जाता है, पर हम्प नोज वाइपर में ये कोई खास अपना असर नहीं दिखाता। अब एंटी वेनम देते समय कुछ इंडिकेशंस हैं कि आपको सिस्टमिक एनीवेनोमेशन का साइन जो है देखिए, साइन करिए उसको, मतलब
डार्क कलर का यूरिन है क्या, ARF देखिए, रेबडोमाइलोसिस देखिए, ये चीज़ें आपको चेक करनी है। WBCT हमने कहा कि भाई हीमोस्टैटिक एबनॉर्मेलिटी देखिए, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो रही है क्या, न्यूरोटॉक्सिक साइन कुछ दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ये देखना है। ये स्नेक वेनम एंटी सीरम का आपको इसमें पिक्चर दिखाई दे रहा है। IV यूज़ के लिए अपन लेते हैं काम में। अब एंटी वेनम सीरम कैसे देना है, तो 3 IV लाइन्स में आप देते हैं। एड्रिनालिन को तैयार रखिए सिरिंज में 0.5 mg 1:1000 के रेशियो में। 10 ampoules ऑफ AVS आपने दिया, सारी 10 ml वाटर में डिसॉल्व करनी है। 100 ml AVS 200 नॉर्मल सलाइन में तैयार रखनी है। स्लो IV इन्फ्यूज़न आपको 1 घंटे तक इसका करना है। और पर्सन में देखिए किसी तरह कोई रिएक्शन हो रही है, कि भाई उसको कोई बुखार चढ़ रहा हो, कंपकंपी छूट रही हो, खुजली आ रही हो, स्किन में अर्टिकेरिया हो रहा हो, या उसका ब्रोंकोस्पाज़म हो रहा है क्या। इफ़ अ अर्ली एनाफाइलैक्टोइड रिएक्शन अकर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसकी बॉडी में एनाफाइलैक्सिस हो रहा है, ऐसी रिएक्शन दिखाई दे रही है, तो फिर वो AVS का इन्फ्यूज़न, एंटी वेनम सिरप का इन्फ्यूज़न आप रोक दीजिए। एड्रिनालिन आपको देना, जो मैंने कहा था आपको तैयार रखना है एड्रिनालिन, 0.5 mg IM उसका दीजिए। IV क्लोरोफिनरामाइन 5 mg भी दे सकते हो, IV हाइड्रोकॉर्टिसोन 200 mg भी दे सकते हैं। फिर AVS स्टार्ट कर दीजिए रिएक्शन सेटल हो जाने के बाद। शॉक में सब लिंगुअल एड्रिनालिन आप दे सकते हैं। मोर एंटी वेनम अगर आपको लग रहा है ज़रूरत है, तो परसिस्टेंट या रिकरेंट इनकॉग्युलेबिलिटी अभी भी आपको, क्योंकि हमें हर 6 घंटे के बाद WBCT करवाना है, तो अभी भी अगर आपको लग रहा है कि इनकॉग्युलेबिलिटी है, क्लॉट नहीं बन रहा है, तो फर्दर डिटेरियोशन आपको करना पड़ेगा और एंटी वेनम उसको देना पड़ेगा। तो ये तो होगी ड्रग जो हमें दी। उस ड्रग के अलावा हमारे को सपोर्टिव और एंसिलरी ट्रीटमेंट देना है। तो सीवियरली एन वेनोम्ड पेशेंट्स जो हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा जहर चढ़ चुका है, उनके वेंटिलेशन को असिस्ट करिए, रीनल डायलिसिस करवाइए, जो घाव हो गया है उसकी साफ़ सफाई करिए, फेसियोटॉमी आप करवा सकते हैं, जैसा कि फ़ोटो में दिखाया गया, इस पिक्चर में दिखाया गया ना, फेसियोटॉमी है ये। अब बिटन पार्ट का ट्रीटमेंट कैसे करना है, बिटन लिम्ब को नर्स करना है अच्छे से, कंफर्टेबल पोजीशन उसकी मेंटेन करनी है, थोड़ा स्लाइटली एलिवेट रखिए उसको, बुली एस्पायरेट करिए, अगर वो कंडीशन रप्चर हो रही है तो आप उसको एस्पायरेट करवा सकते हो। अब फिर अब रिहैबिलिटेशन, बिटन पार्ट का नॉर्मल फंक्शन रीस्टोर रह सके ये ध्यान रखिए, और कन्वेंशनल फिजियोथेरेपी दीजिए जो आप दिलवा सकते हैं उसे। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में हो सकता है वहाँ पे क्रॉनिक अल्सर हो जाए, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाए, क्रॉनिक रीनल फेलियर हो जाए, और न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट क्रॉनिक कंडीशन हो जाए इसकी, वहाँ घाव बन सकता है, बोन मैरो बोन का इन्फ्लामेशन, किडनी फेल हो सकती है, और न्यूरोलॉजिकल वहाँ का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। बस इसके साथ ही आपका एंटी वेनम नाम का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।